नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। उज्ज्वला योजना, लॉकडाउन की अवधि में मोदी सरकार की बनी ताकत। कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण केंद्र सरकार ने तीसरी बार बंद का ऐलान जारी किया है। वहीं उज्ज्वला योजना के 4 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने से लेकर बंद के दौरान लोगों के घर घर तक योजना ने लगातार केंद्र सरकार की राजनीतिक उम्मीद को बढ़ाए रखा है। यही वजह है कि सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बंद के दौरान 3 सिलेंडर फ्री देने की घोषणा जारी की थी। उनके खाते में इसके लिए पैसे भी एडवांस में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। करीब 1 करोड़ सिलेंडर की आपूर्ति भी अब तक की जा चुकी है। वहीं खबरों की माने तो योजना सरकार के लिए काफी ज्यादा अहम मानी जाती है, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद बंद के दौरान इसकी डिलीवरी की देखरेख करने के साथ ही 4 बार LPG डीलरों के साथ इस मुद्दे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है, ताकि किसी भी आम नागरिक को इस योजना से वंचित न होना पड़े। ICMR ने चीन से रैपिड टेस्ट किट खरीदने की जांच का दिया आदेश। चीन से कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण 5 लाख रैपिड टेस्ट किट की आपूर्ति करवाई गई। हालांकि इस किट के आने के बाद काफी सारी गड़बड़ियों का भी अंदाजा लगाया गया है, और यही कारण है कि ICMR ने इस किट के उपयोग को पूरी तरीके से मना कर दिया था। भारत के औषधि महानियंत्रक ने पहले इस मेडिकल गड़बड़ी की आंतरिक जांच का आदेश दिया था। वहीं ICMR ने चीन की उन 2 कंपनियों को भी काली सूची में डाल दिया है, जो भारतीय मध्यस्थों के जरिए किट की आपूर्ति भारत को करवा रहे थे। खबरों की माने तो ICMR ने किट खरीदने के लिए 24 मार्च को जारी निविदा में एक नया क्लॉज जोड़ा था, जिसके तहत ICMR ने 5 लाख किट के लिए भारत आधारित आपूर्तिकर्ता रखने वाले किसी भी निर्माता से बोलियां आमंत्रित की थी, जिसके बाद 11 अप्रैल को ICMR ने बोली लगाने वालों के लिए पहली शर्त के रूप में आयात लाइसेंस जरूरी कर दिया था, जिसके बाद यह सवाल उठने लगा था कि एक ही तरह के किट के लिए इतने सारे नियमों को क्यों बनाया गया है। बिहार के 28 लाख प्रवासी नहीं लौट पाएंगे अपने घर। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नई गाइडलाइन के अनुसार वही लोग अब घर लौट सकेंगे जो बंद के ठीक पहले गए हैं और फंस गए हैं। वहीं अब बिहार के 28 लाख प्रवासियों की घर वापसी मुश्किल हो गई है। आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए नई गाइडलाइन के तहत केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को 3 मई को पत्र भेजा है। इसके जरिए उन्होंने स्पष्ट किया है कि बंद के दौरान देश भर में फंसे प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक व छात्र समेत उन्हीं लोगों को घर लौटने की अनुमति होगी जो बंद के ठीक पहले कार्यस्थान पर गए थे और लॉकडाउन के कारण वापस नहीं लौट पाए हैं और वहीं पर फंस गए हैं, जिससे कि अब उन लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई है जो सामान्य तौर पर या रोजगार या कामकाज के लिए बाहर गए हुए थे। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भारत से की चीन के खिलाफ होने की अपील। जहां एक तरफ अमेरिका लगातार चीन और WHO पर कोविड-19 के फैलने का इल्जाम लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका के सुर में सुर मिलाता नजर आ रहा है, और यही कारण है कि अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया के तमाम देशों से चीन के खिलाफ स्टैंड लेने की अपील कर रही है, जिसमें उन्होंने भारत से भी यह मांग की है। अमेरिका चाहता है कि भारत चीन के खिलाफ खुलकर सामने आए और स्टैंड ले, क्योंकि अमेरिका चीन के खिलाफ कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर चीन की अवहेलना की है, साथ ही WHO को जाने वाले फंड को भी उन्होंने रोक दिया था। वहीं एक मीडिया हाउस की माने तो अमेरिका समेत हाल फिलहाल तक चीन के करीबी रिश्ते रखने वाले ऑस्ट्रेलिया ने भारत से मांग की है कि भारत चीन के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो। हालांकि भारत के लिए फिलहाल यह समय काफी मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि एक तरफ भारत के अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत है, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश चीन से भारत बातचीत का रास्ता ही बेहतर समझता है। वैज्ञानिकों के शोध को देखते हुए सरकार हुई सख्त। कोविड-19 से बचाव को लेकर कई देश मिलकर एक ही जैसी चीज को बनाने में जुटे हुए हैं। हर कोई मास्क, सैनिटाइजर, एंटीबॉडी किट, RT-PCR, अस्पतालों का ढांचा बनाने में जुटा हुआ है। इसके चलते वक्त भी काफी ज्यादा लग रहा है और सरकार को भी सटीक व आसान चीज उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसलिए सरकार ने सभी वैज्ञानिक संगठनों को सख्ती से अधिसूचना जारी करते हुए साफ कर दिया है कि पहले तालमेल बिठाए, इसके बाद प्रोजेक्ट पर एक साथ काम शुरू करें। उदाहरण के तौर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन बायोटेक्नोलॉजी CSIR, वैज्ञानिक तकनीक सहित अन्य शोध संस्थान कार्यरत है। इतना ही नहीं, सरकार ने सभी वैज्ञानिक संगठनों से यह भी कहा है कि इस वक्त सभी विभागों में वैज्ञानिक एक जैसी चीज के अध्ययन और अभियान सिर्फ देशों के साथ मिलकर उत्पाद बनाने में जुटे, उसके बाद यह तय करे कि कौन क्या बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए उठाए ठोस कदम। चीन से निजात हुए कोविड-19 कहर को देखते हुए काफी समय से वहां अपनी पैठ बनाए उद्योग बाजार अब अपने कारोबार को समेटने में जुट गए हैं, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहती गंगा में हाथ धोते हुए सभी उद्योगपतियों को भारत की तरफ मोड़ने की कोशिश जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ चुके हैं कि जिन उद्योग धंधों की वजह से चीन ने विश्व बाजार में अपना आधिपत्य स्थापित किया है, अगर उनमें से ज्यादातर भारत में अपने जड़े जमा ले तो भारत का विश्व गुरु बनने में समय नहीं लगेगा। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बेहतर औद्योगिकी नीति बनाने के साथ नए उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए जमीन की पहचान करने की सलाह दी है। केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने दी राहत। केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देते हुए पेंशन नियम पर अहम फैसला सुनाया है। ज्ञात हो, भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को उनके परिजनों को कई तरह के पेंशन की सुविधा देती आई है, जिससे मुख्य रूप से फैमिली पेंशन स्कीम 1971 आता है, जिसके अंतर्गत यदि सेवा अवधि के दौरान केंद्रीय कर्मचारी की जान चली जाती है तो उसके परिजनों को सरकार पेंशन का लाभ देती है। सातवें वेतन आयोग के नियमों के अंतर्गत इससे पहले नियम था कि केंद्रीय कर्मचारी के परिजनों को सामान्य पारिवारिक पेंशन प्रदान की गई थी। अभी नियमों में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत फैमिली पेंशन स्कीम
में अब 7 साल की सेवा अवधि पूरी करने के पहले यदि किसी कर्मचारी की जान चली जाती है तो उस कर्मचारी के परिवार के सदस्य अब 10 वर्ष तक कर्मचारी के अंतिम आवेदन यानी आखिरी प्रति पूर्ण रूप से हकदार होंगे। पहले यह अवधि 7 साल की थी। WHO से ट्रंप को लगा झटका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार WHO और चीन पर निशाना साध रहे। उन्होंने अपने बयान में यह कहा है कि चीन COVID-19 को रोकने में या तो सक्षम नहीं था या फिर उन्होंने इसे जानबूझकर फैलने दिया है। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार फिर से इन सभी बातों पर असहमति जताई है और कहा है कि ट्रंप द्वारा बोले गए सारे तथ्य निराधार हैं। उनकी बातें सिर्फ आधारहीन तथ्यों पर आधारित हैं। अभी तक एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे साबित हो सके कि COVID-19 तैयार किया गया था। आपको बता दें WHO के इमरजेंसी डायरेक्टर माइकल रेहान ने बताया कि हमें ऐसा कोई भी डेटा नहीं मिला है या फिर कोई भी सबूत नहीं मिले हैं जो अमेरिका द्वारा चीन के खिलाफ बोले जा रहे बातों को साबित कर सके या फिर शक भी जाहिर करता हो। हमारे मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति सिर्फ अंदाजा लगाने में जुटे हुए हैं क्योंकि अमेरिका में COVID-19 काफी तेजी से फैल रहा है और उसे रोकने में नाकामयाबी साबित हुई है। अमेरिका में फंसे भारतीय नौसैनिक को लाने के लिए भेजा जाएगा विमान। अमेरिका में फंसे तमाम भारतीय नागरिकों को लाने के लिए भारतीय सरकार ने विमान भेजने का ऐलान जारी किया है। खबरों की माने तो केंद्र सरकार द्वारा अमेरिका में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए 1 सप्ताह के अंदर विशेष उड़ानों की व्यवस्था की जाएगी जो सैन फ्रांसिस्को से शुरू होगी। हालांकि अभी तक इसके लिए निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की गई है। यह विमान सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, शिकागो और WD से उड़ान भरेगी। वहीं कम्युनिटी नेताओं ने बताया कि सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। बीते दिन भारत सरकार ने ऐलान किया कि विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापसी के लिए विशेष विमान की व्यवस्था कराई जाएगी जो कई चरण में 7 मई से शुरू होगी। टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बनने की इच्छा रखते हैं शोएब अख्तर। पाकिस्तान टीम के पूर्व खिलाड़ी शोएब अख्तर ने हाल ही में टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बनने की इच्छा जाहिर की है जिसके तहत पाकिस्तानी टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा है कि वह भारतीय टीम के तेज गेंदबाज को कोचिंग देने को तैयार है। सोशल नेटवर्किंग ऐप हेलो के दिए इंटरव्यू में अख्तर ने कहा कि वह किसी भी अपने अनुभव को साझा करने को तैयार है। अगर उन्हें भारतीय गेंदबाजों की कोचिंग देने का मौका मिला तो वह बेहद खुश होंगे। आपको बता दें शोएब अख्तर से जब पूछा गया कि क्या वह भारतीय गेंदबाजों की कोचिंग देने को तैयार है उनके जवाब में उन्होंने उक्त बातें कही हैं। इससे पहले शोएब अख्तर ने COVID-19 के बढ़ते असर को देखते हुए पाक और भारत के बीच में 3 मैचों की सीरीज का प्रस्ताव रखा था जिसे कई दिग्गज क्रिकेटरों ने नकार दिया था। बंद के बीच छूट देना पड़ा महंगा। COVID-19 के बढ़ते असर के बीच केंद्र सरकार द्वारा बंद के तीसरे चरण में कई तरह के छूट देने का ऐलान जारी किया गया था। हालांकि सरकार का यह फैसला उन्हीं पर भारी पड़ने लगा है क्योंकि COVID-19 के मामले में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। देश में पिछले 24 घंटे में COVID-19 से प्रभावित 3900 मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित 195 लोगों की जान भी गई है जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश भर में COVID-19 के मामले बढ़कर 45,000 को पार कर चुके हैं और COVID-19 से जान गंवाने वालों की संख्या 1500 को पार कर चुकी है। आपको बता दें संक्रमित राज्यों में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में प्रभावितों की संख्या देखी गई है जहां अब तक कुल मिलाकर 14,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं दिल्ली दूसरे स्थान पर विराजमान है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी तरफ से प्रभावित इलाके को सैनिटाइज करने का काम कर रही है। वहीं सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी लगातार की जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार क्या भारत को भी चीन के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।